अगली खबर की ओर। विनोबा भावे जयंती के अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जयपुर में पदयात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन जागरूक नागरिक मंच की ओर से किया गया। रैली में वक्ताओं ने कहा कि आज देश में जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने देश को एकजुट कर देश को आजादी दिलाई, लेकिन आज एक बार फिर से देश को जोड़ने की आवश्यकता। आंदोलन के समर्थन में आज जयपुर शहर में रैली निकाली गई, जिस प्रकार से महात्मा गांधी सर्किल से लेके यहाँ पे विनोबा भावे स्थल तक निकाली गई है, आइए हम जानते हैं सर किस प्रकार से रैली निकाली गई। सर स्वागत आपका। सर किस प्रकार से रैली निकली, क्या उद्देश्य निकाला? आज संत विनोबा जी की 128वीं जयंती है और आपको मालूम है कि विनोबा जी इस दुनिया में सबसे अधिक पैदल चलने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने पैदल चलकर देश में 47,000 एकड़ जमीन दान में मांगी और गरीबों में वितरित की। तो संत विनोबा जी का योगदान आज़ादी की लड़ाई में तो था ही, लेकिन भारत के निर्माण में और भूमिहीनों को भूमिवान बनाने में विनोबा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और पदयात्रा में भी उनके मुकाबले कोई नहीं रहा। तो संत विनोबा जी को जोड़ते हुए आज जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे कदम से कदम सहयोग मिलाने के लिए आज यहाँ 9 बजे गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए, वहाँ से कूच करते हुए यहाँ विनोबा ज्ञान मंदिर पर पहुँचे हैं और विनोबा ज्ञान मंदिर में सर्वधर्म प्रार्थना हुई और ये अपील की गई कि नफरत छोड़े और भारत जोड़े। तो इसके साथ में ही ये कि जो संत विनोबा जी के विचार रहे हैं समाज को जोड़ने के, समाज में समानता लाने के, समाज में जो गरीब है, अंतिम व्यक्ति है, आखिर में खड़ा व्यक्ति है, उसकी तरफ देखकर योजनाएं बनाने के, तो जिस प्रकार से भारत जोड़ो आंदोलन किया जा रहा है, जिस प्रकार से भारत जोड़ो आंदोलन की यात्राएं निकल रही है, जिसमें आज जयपुर शहर में निकाला गया, सर आज क्या वास्तव में जयपुर में या भारत में भारत जोड़ो आंदोलन जैसी रैलियों की आवश्यकता है? आज़ादी के पहले से और ज़्यादा ज़रूरत है। आज़ादी में तो एकजुट था, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ने को तैयार था, लेकिन आज जो विषमता है हमारे राष्ट्र में, कैसी विषमता? अमीरी और गरीबी की विषमता, छुआछूत, मंदिर में वो प्रवेश करेगा वो नहीं करेगा, वो क्या खा रहा है मैं क्या खा रहा हूँ, खाने पे भेद, मन में भेद, विचार में भेद, ये कैसा भारत है बापू और विनोबा का? क्या उन लोगों ने ये कल्पना की थी कि इतने 150 साल बाद भी आज़ाद भारत में जो अंग्रेज जो विष फैलाते थे वो 155 साल बाद में भी वैसा ही फैलेगा? ये आपने भी क्या आपने हमने सबने कल्पना की, उन महापुरुषों ने कल्पना की? आज हम युवा शक्ति को, हमारे बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं? जिस प्रकार से भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा की जा रही है, जिस प्रकार से आज महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज कितनी जरूरत है भारत जोड़ो आंदोलन जैसी यात्रा में शामिल होने की, क्या कहना चाहेंगे? सर हम मतलब भारत जोड़ो यात्रा आज हमारे देश को एक करने के लिए बनाई गई है। जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में भेदभाव हो रहा है, तरह तरह की मतलब अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों को एक दूसरे से तोड़ने का प्रयास किया जाता है, इस हिसाब से हम आज एक इकट्ठा हुए हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम भारत को वापस जोड़ें, वापस पहले जैसा, गांधी जी जैसा, विनोबा भावे जैसा भारत बनाने का पूर्ण प्रयास करें। जिस प्रकार से महिलाओं का कहना है कि देश को जोड़ने की बातें की जाए, देश को तोड़ने की बातें नहीं, महात्मा गांधी विनोबा भावे का जो भारत है उसको बनाने, आइए हम जानते हैं किस प्रकार से आज रैली में शामिल हुई, क्या कहना चाहिए? आज हम सभी को एक रूप में जोड़ने के लिए और एक साथ रहने के लिए और एकता दिखाने के लिए सबको शामिल हुए हैं और भारत को एक साथ जोड़ के और शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से अखंड भारत, एक भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके जिस प्रकार से आज इन लोगों ने समाज सेवियों के द्वारा आज पहल की गई कि भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा का समर्थन किया गया। कैमरामैन निमचंद पांचाल के साथ लीला दर्कुमान, A1T News जयपुर।